हाय फ्रेंड, तुम्हारे पास ऑडी ए फोर आया हुआ है, डीजल गाड़ी है, 2.0 लीटर इंजन है। तो कस्टमर कंप्लेंट क्या ना, एक्चुअली इसमें क्या ना, उसका कहना है कि इसमें पिकअप का प्रॉब्लम गाड़ी है। जैसे गाड़ी 65 या 70 क्रॉस करता था, ऐसा ग्लू प्लग लाइट जो कस्टमर में ब्लिंक करने लगता है और पिकअप इसका ड्रॉप हो जाता है, गाड़ी बिल्कुल पिकअप नहीं लेता है और हीटर लाइट जो कंटिन्यू ब्लिंक करता है। तो अभी हम चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है और दिखाते हैं आपको, तो वीडियो में बने रहे। अगर वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा, ना तो ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा आधा अधूरा अगर आप वीडियो देखते हैं तो। ओके, 60-70 स्पीड से गाड़ी जाती है ना, तो अपना ये ग्लू प्लग लाइट है ना, इधर देख सकते हो कैसे ब्लिंक कर रहा है क्लस्टर मीटर में। तो ये क्या है ना, ये लाइट ब्लिंक करने लगता है। जैसा आप 70 का स्पीड क्रॉस करेगा ना, 65-70 के आसपास, तैसा ये ग्लू प्लग का लाइट ब्लिंक करता है और गाड़ी इसके ऊपर भागता ही नहीं, मतलब पिकअप ही नहीं गाड़ी में, समझो। तो ये प्रॉब्लम इसमें है क्योंकि इस ऊपर पिकअप नहीं गाड़ी में, 70 से ऊपर गाड़ी अपनी नहीं जा रही है। तो इसको अभी स्कैनिंग करके हम चेक करें क्या अपने को फॉल्ट कोड दिखा रहा है, चेक करते हैं। इसमें ये BM है, इधर सामने देख सकते हैं ऑडी है, तो हेल्थ रिपोर्ट सीधा हो जाएंगे अपन, इसमें पूरा सिस्टम को स्कैन करेंगे। इसके इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में फाइंड द फॉल्ट कोड, दो फॉल्ट दिखा रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो स्कैनर में। और चेक इंजन इसका, सॉरी, ग्लू प्लग लाइट तो अपना ब्लिंक कर रहा है, देख सकते हो गाड़ी भी अपना स्टार्ट ही है। देखते क्या इसमें फॉल्ट कोड आ रहा है, 61 हुआ अभी। हंड्रेड हो गया, थोड़ा समय लग रहा है, इसके लिए वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ बीच बीच में। यहाँ पे देख सकते हैं टर्बो सुपर चार्जर अंडर बूस्ट, ये अपना P02990 का फॉल्ट कोड बन रहा है। और अपना सेकंड में देख सकते हैं P256300 टर्बो चार्जर बूस्ट कंट्रोल पोजीशन सेंसर सर्किट रेंज परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो इसको चेक करते हैं, इसका सर्किट चेक करते हैं पहले, या तो फिर इसका वैक्यूम का लाइन होता है ना, जो ये सोलेनोइड होता है ना वैक्यूम का, अगर उसका इशू रहेगा तो भी ये फॉल्ट कोड बनेगा। ये अपने को एक्टिव स्टार्टिंग दिखा रहा है, इधर देख सकते हैं, ये क्या क्लियर करेंगे वापस से चले जाएगा फॉल्ट कोड, लेकिन ये प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। दूसरा साउंड सिस्टम का है ये, तो ये डोर का है, ये तो छोड़ देते, अपने को ये पिकअप का जो इशू है ये अपने को काम करने का है। तो देखते क्या प्रॉब्लम है, बोनट खोलो जरा इसका। अच्छा, एक मिनट, क्लियर करने जाना चाहिए ना, एक बार वो क्लियर करता हूँ। तो मैं अगर इसको फॉल्ट को क्लियर कर रहा हूँ, करंट में दिखाएगा तो क्लियर नहीं होएगा, ये एक बार हो जाएगा क्लियर, क्योंकि एक्टिव स्टार्टिंग है ना, करंट शो करेगा तो नहीं, मतलब फॉल्ट, मतलब कैसा एक्टिव स्टार्टिंग बोले तो फॉल्ट जाके आता है फॉल्ट। अभी देखो गया, हल्का रेस देख रखो गाड़ी का, हल्का ज़्यादा नहीं, देखो वापस से आया, इधर देख सकते हो प्लग लाइट वापस से ब्लिंक किया। रुको, अभी इसको रीस्कैन करता हूँ, एक मिनट छोड़ो। तो अब सीधा अपन सिस्टम सिलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि इंजन में अपने को फॉल्ट है मॉड्यूल में। तो ओके करेंगे, इधर से रेड द DTC, टर्बो बूस्ट कंट्रोल पोजीशन सेंसर सर्किट रेंज परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो चेक करते क्या फॉल्ट है इसका, कभी क्या कपलर लूज कॉन्टेक्ट रहेगा या इसका वैक्यूम का रहेगा सोलेनोइड का, तो भी इशू करता है, देखते क्या है, फिर भी चेक करते। चलो बोनट खोलो, ये 5 वोल्ट अपने को मिल रहा है रेफरेंस वोल्ट, इधर देख सकते हो 5 वोल्ट ही। और इधर पर क्या है, अब एक चेक करेंगे इसमें ग्राउंड आता है, ये देख सकते हो बजर बज रहा है, ये अपना ग्राउंड है और ये अपना ये जो बीच वाला कपलर, ये अपना सिग्नल वायर है, ये तो ये अपना इधर वायरिंग ओके है, इसका कपलर अभी लगा देते,
टर्बोचार्जर ऑयल ओके है। तो एक्चुअली अपना प्रॉब्लम किधर है ना, इधर देख सकते हैं, ये अपना जो सोलेनोइड है ना, याला इसका ये वैक्यूम लाइन है ना, ये गलत लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। इसके लिए अपने को ये फॉल कॉर्ड शो कर रहा है, ये निकालो यहाँ से, ये वाला उसमें जाएगा, इसके कूलर में जाएगा, ये वाला भी निकालो, ये भी निकालो। हाँ ये जो है ना, ये वाला इधर लगेगा, हाँ लगाओ इधर, और ये इसमें लगेगा, ये उल्टा था अपना, ये पहले इधर लगा हुआ था, और जो भी निकाली किधर गया, ये वाला इसमें लगाओ। तो अपने को इसमें कि ये वैक्यूम लाइन इसका उल्टा मिला, जो कि अभी हमने इसको इधर घुमाया, देख सकते हो लगा दिए ना, और ये जो है ना, ये ऐसा इसमें आएगा, इसमें अटका दो। साइड में उसको चलो अभी हटाओ, मल्टीमीटर हटाओ इधर से। तो ये हमने इधर घुमाया, देख सकते पहले जो ये था नीचे वाला, ये अपना इधर लगा हुआ था, इसको इधर हमने लगाया, ये वाला जो दोनों ये इधर इधर ऐसा लगा हुआ था, तो ये अपना उल्टा था, इसको हमने घुमाया सीधा। चलो इसके हमें निशन ऑन है, तो अभी इसको वापस इसका फोल्ड कोड हम उड़ाते हैं। इधर से देखते अभी क्लियर हो गया, पहले भी क्लियर हुआ था। गाड़ी स्टार्ट करो, हल्का रेस लो, देख सकते हो पहले रेस देने पे ही, तुझे रेस करेंगे ना, ये गाड़ी का ना फुल रेस नहीं होगा, ये सब गाड़ी आइडल में, रनिंग में फुल रेस होता है। तो अभी इधर पहले इधर हीटर कोई लाइट जो ना ब्लिंक कर रहा था क्लस्टर मीटर में, इधर देख सकते अभी कोई लाइट नहीं आ रहा है, छोड़ो। तो इसको भी वापस से रिफ्रेश करता हूँ। इधर से बैक जाता हूँ और फिर वापस जाता हूँ इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में, ओके करता हूँ, और ये रेड था ETC। तो यहाँ नो फोल्ड कोड आ रहा है, तो अपना जो वैक्यूम का लाइन था ना वो सोलेनोइड का, उसका गलत लगा हुआ था। इसके लिए अपने को टर्बोचार्जर बूस्ट का एरर आ रहा था, अपना गाड़ी पिकअप नहीं ले रहा था, तो अपना यही प्रॉब्लम था। तो अभी अपने को प्रॉब्लम नहीं आया है, तो अभी क्या अपन एक बार इसको ट्रायल लेके रनिंग करके गाड़ी चेक करते आ रहा है कि नहीं वापस हीटर कोई लाइट। अगर वापस से आएगा तो कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अपना वायरिंग भी ओके था, अपने उसकी वैक्यूम लाइन इसमें जो था वो गलत लगा था, और कोई दिक्कत नहीं था। ओके हाँ, तो भाई फाइनली आपने देखा हमने क्या किया इसमें, ना कुछ इसमें हमने कुछ डाला भी नहीं, या कोई चीज़ गया हुआ भी नहीं था इसके अंदर, अपना सारा चीज़ इसमें ओके था, सिर्फ इसमें फिटिंग का पंगा था और कुछ नहीं था। जो अपना फिटिंग था ना वैक्यूम लाइन का सोलेनोइड का, वो उल्टा लगा हुआ था, अपना ये वैक्यूम पंप का और इसका टर्बोचार्जर का वैक्यूम लाइन का जो वो खाली पाइप जो था कनेक्शन उल्टा था, और कुछ था नहीं इसमें दिक्कत, तो सिर्फ हमने उसको ही घुमा के सीधा किया। बाकी हमने भी परे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, चेक करने में काफ़ी समय गया, लेकिन उसका हमने वीडियो नहीं लिया कि वीडियो लंबा हो जाएगा इसके लिए। तो हमने देखा, हमारे पास एक दूसरा गाड़ी भी पड़ा हुआ था ऑडी A4, तो हमने उसमें चेक किया, तो इसका फिटिंग देखा, तो फिटिंग का ही अपने को प्रॉब्लम मिला, क्योंकि ऐसा जल्दी किसी की समझ में नहीं आता ये क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअली इसमें क्या प्रॉब्लम है। कोई भी रहेगा तो बोलेगा फिटिंग बरोबर है, प्रॉब्लम तो कुछ दिख नहीं रहा है, या किधर लीकेज रहेगा, या कोई ओपन सर्किट रहेगा, या किधर वायर का कट रहेगा, तो अपने को प्रॉब्लम मिलेगा। तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं था ये। भाई देख सकते हैं हम हाईवे पे आ गए, इसका भी टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं, जो कि इधर आप देख सकते हो। तो पहले ये 60-70 क्रॉस करता था, तो अपने को प्रॉब्लम था, अभी देखते हैं अपन इसको ड्राइव करके। अभी तो 50 की स्पीड गई है, सामने गाड़ी है, इधर आप देख सकते हो ये 70 कस्टमर के ना 70-60-65-70 जाएगा, अभी तो 70 तक गया था, 69 तक गया था, कोई लाइट बिलिंग नहीं कर रहा है, अभी भी नहीं भगा सकते गाड़ी, क्योंकि सामने गाड़ी है। दिखाता हूँ यूटर्न में, मुझे तो नहीं लग रहा अभी आएगा, क्योंकि अपना वो वैक्यूम लाइन का पाइप ही जो था ना वही उल्टा था। तो एक मैंने भी लिया स्पीड, अपना 70 क्रॉस कर गया अपना गाड़ी, क्या लोग गाड़ी चलाता है यार, देख सकते हो 70-80 तक क्रॉस कर गया, 89 के आसपास आ गया। तो अपना जो प्रॉब्लम था ना भाई, वो वैक्यूम लाइन का पाइप जो था ना वही अपना उल्टा लगा हुआ था, इसके लिए अपने को ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो आपने देखा वो वीडियो में, तो ये छोटा छोटा प्रॉब्लम रहता है जो अपने को चेक करना रहता है, जरूरी नहीं कि डायरेक्टली ये टर्बो बूस्ट चार्जर ही अपना खराब हो जाए।
जो टर्बो का सोलनॉइड होता है, जरूरी नहीं कि डायरेक्ट अपना यही खराब हो जाए। तो अपना वो वैक्यूम लाइन का ही प्रॉब्लम था, जो आपने देखा वो उल्टा कनेक्शन लगा हुआ था, तो उसको हमने सिर्फ वही घुमाया और कुछ नहीं किया। और टर्बो चार्जर का अपना जो वोल्टेज था वो भी अपना ओके था, हमने चेक किया, आपने जो कि देखा भी तो यही प्रॉब्लम था इसमें। अपना गाड़ी अभी तो परफेक्ट हो गया, कोई इसमें चालू अपना इंडिकेटर, तो इसको वापस से स्कैन करके मैं चेक करता हूँ ये क्या अपना फॉल्ट कोड वापस से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये ओके किया मैंने अभी, ये रीड द फॉल्ट कोड, नो फॉल्ट कोड, तो आप देख सकते हैं कोई फॉल्ट कोड नहीं अभी ये। तो अपना छोटा सा एक प्रॉब्लम था जो अपने को ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था पिकअप का, और कोई ऐसा दिक्कत इसमें तो था नहीं, थोड़ा क्या माइंड वाला था। रहे तो कैसा ना, बहुत लोग इसमें परेशान हो जाएंगे क्या प्रॉब्लम है, बार बार अपने को टर्बो चार्जर बूस्ट का दिखा रहा, बूस्ट बोले तो वैक्यूम, जो वैक्यूम करना चाहिए उसका टर्बो चार्जर का, वैक्यूम नहीं हो रहा था उधर से। तो हमने देखा उसका लाइन ही था, वो गलत फिटिंग था, इसको हमने वापस से घुमा दिया, या किसी ने भी फिटिंग किया रहेगा तो उन्होंने गलत लगा दिया रहेगा, तो इससे ये प्रॉब्लम हुआ था, और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था।